गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मीना। नाउ वी स्टार्ट द वुमेन चेंज द वर्ल्ड चैप्टर 5 ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस। वी स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यू टेक योर टेक्स्ट बुक एंड पेंसिल एंड राइट डाउन द ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट, इन दिस पैसेज वी डिस्कस अबाउट द schooling and education today. What type of education at the time and schooling is, what is the differentiation between the men and women at the time. Okay, we study in this paragraph, we study of the census. What do you mean by census? What do you mean by the literacy rate? And what are the difference and what are the percentage in a given session? Okay, census. Today both boys and girls attend the school in large number, yet as we see there are the still rain difference between the education boy and girls. India has census every year. Student, इसमें फर्स्ट पॉइंट में आपको मिल गया है, जो हमारा सेंसस काउंट होता है वो एवरी 10 ईयर होता है. ओके, वो क्या काउंट करता है, लेट बी स्टार्टेड. विच काउंट द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, क्या स्टडी करता है होल कंट्री को. इट ऑल्सो गैदर द डिटेल इंफॉर्मेशन देता है अबाउट वट एज, स्कूलिंग, वर्क डू सोन. ओके, यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टू मेजरिंग ऑफ मैनी थिंग्स लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन in our country and how many men and women are literate, what are the ratio are between, so many things. Okay student, to census ka main important work hota hai study about the our country. Okay, country's people, they work to how many ratio and what are the differences between it, so many things. Okay, according to 1961, we are study about the 1961 census, about 40% all the boy and men can be. अभी हम पढ़ेंगे 1961 का, कि 1961 में जो था 14% मैन और बॉय जो थे वो लिटरेट थे. ओके, और कंपेयर टू द जस्ट वुमेन्स आर 15%. अब देखो स्टूडेंट, ये लिटरेट वर्ड है. व्हाट डू यू मीन द लिटरेट वर्ड आर गिवन टू द दोस मैन या वुमेन विच आर एबल टू रीड एंड राइट इजीली. और एज रेशियो है क्या होनी चाहिए, 7 ईयर ओल्ड. स्टूडेंट लिटरेसी मतलब साक्षरता, साक्षरता उसे बोले जाएंगे जो 7 साल का है, 7 साल से ऊपर का है, जो लिख सकता है पढ़ सकता है उसे लिटरेट बोलेंगे. ओके स्टूडेंट, कंपेयर टू जस्ट 15% आर गर्ल्स एंड वुमेन्स इन द मोस्ट परसेंट सेशन. 2011 में दीज फिगर हैव ग्रोन टू 82% बॉयज एंड मैन, 65% गर्ल्स एंड बॉयज. अब नाउ वी स्टडी अबाउट द सेंसस 2011 आवर द लेटेस्ट सेंसस. ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट सेशन का जो हमारा स्टडी है वो आएगा 2021. नाउ वी स्टडी अबाउट 2011. दिस फिगर हैव बीन ग्रोन, 80% ग्रोज होने हो गया गर्ल्स का, 65, बट इनका डिफ्रेंशिएशन अभी ग्रोज नहीं हुआ है, पर परसेंटेज ग्रोज हुआ है. इस मीन द प्रोपोर्शन ऑफ द बोथ मैन एंड वुमेन आर नॉट एबल टू रीड हैव एट द लीस्ट सम अमाउंट ऑफ स्कूलिंग हैज इंक्रीज, बट एज यू कैन सी द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप विल स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप, द गैप हैज नॉट गोन अवे. स्टूडेंट परसेंटेज तो इंक्रीज हुई है बट गैप भी अभी नहीं हुआ है इक्वल. देयर इज द टेबल शो द परसेंटेज ऑफ गर्ल एंड बॉय लीव द स्कूल डिफरेंट सोशल ग्रुप इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब. स्टूडेंट शेड्यूल ट्राइब्स होती है जो जंगलों में जनजातियाँ रहती हैं उनके लिए यूज़ किया हुआ है, ऐसी कुछ होती है माइनॉरिटीज़ काउंट करते हैं. ठीक है, वो उनकी जो गर्ल्स थी वो स्कूल नहीं नहीं जाती थी, उनके कोई रीज़न थे. लेट बी स्टार्टेड, पढ़ेंगे उन रीज़न को. यू हैव टू प्रोबेबली नोटिस अबाउट द टेबल दैट द SC/ST गर्ल लीव द स्कूल एट द रेट ऑफ हायर दैन द कैटेगरी ऑफ ऑल गर्ल्स. इट मीन्स द गर्ल्स आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासी बैकग्राउंड, लेस लाइकली टू रिमेन स्कूल. इन 2011 census all found the Muslim girl likely less, that's the likely less than SC/ST girl to complete the primary school, while a Muslim girl like to stay in the school for around 3 years, girls from other communities spend around the 4 years in the school. Okay student, in this passage kya bataya gaya hai, 2011 ke census mein humne study kiya SC/ST girls thi bahut kam school jati thi, isse bhi zyada jo Muslim girl thi wo only 3 years ke liye hi school jati thi aur wo 4 year ke liye. To sabse kam jo schooling kis के लिए अवेलेबल थी वो मुस्लिम गर्ल के लिए. अब रीज़न देखेंगे क्या रीज़न थे वो स्कूलिंग नहीं कर पा रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यू शुड टू अंडरस्टैंड इट. ओके, देयर आर सर्वर रीजंस व्हाई चिल्ड्रन फ्रॉम दलित आदिवासी मुस्लिम कम्युनिटीज लीव स्कूल्स. ठीक है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री स्पेशली द रूलर. ओके, एंड आफ्टर दैट पुअर एरिया दे आर द मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूलिंग नॉट
proper teacher to teach on a regular basis. This is the one most reason. School नहीं थे proper teacher available नहीं थे. Poor reason था, rural area था. They are the main reason of they not come to the school. Okay, if a school is not close to people's home, ये भी एक reason था. अगर school घर के पास नहीं है, they are the no transport like buses when parents may not able to willing to send their girls to school. It is also most important reason why the parents does not want to go the school. ठीक है, many families are too poor. This is also a main reason, unable to bear the school cost of education. Boys may not preference in the situations. Many children also leave school because they are discriminating against the teacher and classmate, just like Om Prakash Valmiki was. Okay, student. So हमने इस paragraph में reasons पढ़े और other reason क्या था student का teacher का discrimination करना between girls and boys. They also main important रीज़न फॉर दैट कि गर्ल्स स्कूल नहीं जा पाती थी. तो स्टूडेंट हमने रीज़न का पढ़ा. अब देखो स्टूडेंट कोई भी चीज़ है, अब गर्ल्स हैं स्टडी कर रही हैं, वो देख रही हैं हमें भेदभाव किया जा रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. तो उन्होंने क्या किया, वुमेंस ने मूवमेंट किया. ठीक है, आप पढ़ेंगे वुमेन मूवमेंट्स. ओके, लेट बी स्टार्टेड विद दिस न्यू टॉपिक वुमेंस मूवमेंट. वुमेन एंड गर्ल्स हैव द राइट टू स्टडी टू गो टू स्कूल. उनको राइट है स्टूडेंट, वो स्कूल जा सकती हैं, कुछ भी कर सकती है. देर आर द अदर स्फीयर्स लाइक लीगल एंड रिफॉर्म, वायलेंस, हेल्थ. दे आर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैव इम्प्रूव्ड. दीज चेंज हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली, ये अपने आप नहीं आया है. वुमेन इंडिविजुअली एंड द कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट दीज चेंजेस. इन्होंने मिलकर अपनी पावर को इंक्रीज किया है, मूवमेंट किया है और अपनी इक्वालिटी लाई है. लेट बी स्टार्टेड द स्ट्रगल नोन एज द वुमेंस मूवमेंट्स. ओके, इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेंस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर पार्ट ऑफ द मूवमेंट. मैनी मैन स्पॉट द वुमेन मूवमेंट एलवेस. ओके स्टूडेंट, उनके जो वुमेंस मूवमेंट में मैन ने भी हेल्प करी. ओके, द डाइवर्सिटी पैशंस एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक अ वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट. डिफरेंट स्टेजेस हैव नॉट यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन, सीक जस्टिस. दे आर द सम ग्लिप्स इन देयर स्ट्रगल. ओके स्टूडेंट, इजीली उनको नहीं मिला, उनको फाइट करना पड़ा है. ठीक है, उन्होंने फाइट करने के लिए क्या किया, कैंपेनिंग किया. और कैंपेनिंग के बारे में पढ़ेंगे. कैंपेनिंग इज टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेंस मूवमेंट. ओके, कैंपेनिंग जो है, कंपेनिंग है अपनी जो अपनी क्वालिटी को लाने के लिए, मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहा है, उन्होंने कंपेनिंग की है. कंपेनिंग हैज़ टू लीड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड. अ न्यू फर्स्ट लॉ क्या निकला, इज टू इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, अंडरलाइन इट. इन 2006 गिव वुमेन टू फेस द फिजिकल मेंटल वायलेंस विद इन अ होम, ऑल्सो डोमेस्टिक वन सम लीगल प्रोटेक्शन. ओके स्टूडेंट, 2006 में एक लॉ निकला जिसमें कि घर में औरतों को मारा या पीटा जाता है तो उसके आगे सेक्शन लिया जाएगा. ओके, कब हुआ, 2006 में. क्यों आया, क्योंकि अपनी राइट के लिए. ओके, चेंजेस आते हैं. सेकंड पढ़ेंगे, सिमिलरली एफर्ट मेड बाय द वुमेन मूवमेंट लीड टू सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेट द गाइडलाइन 1997. अनोदर क्या चेंजेस आया स्टूडेंट, कि जो सेक्शुअल हैरेसमेंट होता है जहाँ पे वर्कर्स काम करती हैं, एजुकेशन टू अदर्स एनी थिंग्स, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, इसको अंडर द अगेंस्ट द क्राइम माना गया. ओके, इन 1980 अदर एग्जांपल इज दैट वुमेंस ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट द ड्रॉवरी. इज इज टू इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट. 1980 में एक अदर आया कि ड्रॉवरी डेथ्स बहुत इंक्रीज हो गई थी, तो केस ऑफ द यंग ब्राइड्स बींग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड ग्रीडी फॉर द ड्रॉवरी. दहेज के लिए, जो दहेज के लिए लड़कियों को मार देते थे, तो 1960 में लॉ आया, ऐसा जो करेगा उसको 110% एकदम स्ट्रिक्ट रूल के अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट मिलेगी. ओके, वुमेंस ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ ब्रिंग दिस केसेस जस्टिस. दे डिड सो बिकम बाय सो स्ट्रीट्स अप्रोचिंग द कोर्ट्स बाय द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. इवेंटली दिस बिकम द पब्लिक इशू. न्यूज़पेपर सोसाइटी एंड ड्रॉवरी लॉवर चेंज टू द पनिश फैमिलीज टू सीक ड्रॉवरी. ओके स्टूडेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है 2006 में क्या चेंज आया, 1997 में क्या चेंज आया, 1980 इज टू इम्पॉर्टेंट
फॉर द डोवरी केसेस. ओके, अब देखो स्टूडेंट ने पिक्चर दिखा रखी है. एक ये मदर है, अपनी बेटी की फ़ोटो लगा रखी है उसने. उसका नाम है सत्यारानी, एन एक्टिव मेंबर ऑफ द वुमेंस मूवमेंट. ओके, सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अराउंड द लीगल फाइल्स गैदर ड्यूरिंग द कोर्स अ लॉन्ग लीड बैटल टू सीक जस्टिस फॉर द डॉटर हु वॉज मर्डर्ड फॉर डॉवरी. स्टूडेंट इज टू शेम फॉर द सोसाइटी. समटाइम्स सम मैनी पीपल्स वॉन्ट टू मोर एंड मोर मनी फ्रॉम द गर्ल्स हाउस. तो इसमें दिखा रखा है कि सत्यवती अपनी बेटी की फ़ोटो लिए बैठी है, जिसको अपनी राइट चाहिए अपनी बेटी के लिए, कि उसकी बेटी को डॉवरी के कारण जला दिया गया था. ठीक है स्टूडेंट, तो अब तो बहुत कम होता है, बट अभी भी हैं. हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सोसाइटी में जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं बच्चे, इसके अंगेंस्ट हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बोलना चाहिए. हम भी अभी अब लिटिल किड हो, आप भी यंग हो गए, ठीक है? तो हमारे माइंड में सेट होना चाहिए डॉवरी, ये जो सोसाइटी में बैड थिंग्स है इसको डिस्ट्रॉय करना. तो एजुकेशन का काम क्या होता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे जाके इसका यूज़ हो सके, हम अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि वी आर द यंग जनरेशन ऑफ आवर कंट्री. ओके स्टूडेंट, तो आज हमने अपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया, राइजिंग अवेयरनेस किया, ठीक है? अब अवेयरनेस में देखो, इसमें दिखा रखा है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन, आस्क फॉर द पब्लिक अवेयरनेस. इसके देखा हुआ है हमने पब्लिक अवेयरनेस. अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता. अब जागरूकता कैसे कैसे फैलाई वुमेंस मूवमेंट में, इशू में, वुमेंस राइट इशू, द देयर द मैसेज स्प्रेड टू द स्ट्रीट, प्लेस, सॉन्ग, पब्लिक मीटिंग्स. अब देखो स्टूडेंट, अब कुछ भी है, अब हमें अवेयरनेस फैलानी है, जागरूकता फैलानी है, तो हम कैसे फैलाएंगे? घर घर जाकर, बताकर, स्ट्रीट प्लेस करके, सॉन्ग्स करके, ठीक है? और प्रोटेस्ट करेंगे, अलग प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ गलत हो रहा था. वुमेन मूवमेंट अराइज टू वॉइस ऑफ द वेल अगेंस्ट द वुमेन टेकन द एग्जाम्पल अ लॉ ऑफ द पॉलिसी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट पब्लिक रैलीज. ओके स्टूडेंट, तो कैंपेनिंग करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है? सो शोइंग द सॉलिडरिटी द वुमेंस मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट द शोइंग द सॉलिडरिटी ऑफ द वुमेन क्राइसिस. ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसमें हमने जाना कि एक वुमेन जो है चेंज कर सकती है एक वर्ल्ड को, ठीक है? आपने स्टार्टिंग में देखा हमारे एंशंट टाइम में क्या था, स्टीरियोटाइप थिंकिंग थी. उसके बाद हमने देखा चेंजेस आए, गर्ल्स पढ़ने लगी, फिर गर्ल्स को भी फील हुआ, वुमेंस को फील हुआ कि हमें इक्वलिटीज चाहिए. तो उन्हें मूवमेंट्स किए, मूवमेंट्स करने से बहुत चेंजेस आए 1997, 1980, 2006. तो दे ऑल बी रिलेटेड टू वुमेन पावरमेंट. ओके, और इनको इंक्रीज करने के लिए कंपेनिंग की. कंपेनिंग होने के बाद अराइज द अवेयरनेस फ्लाई ड्यू टू द हेल्प ऑफ स्ट्रीट प्लेइंग, सॉन्ग्स, पब्लिक मीटिंग्स, सो मैनी थिंग्स. ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर को अच्छे से आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, वो आपको सॉल्व करने हैं. ओके बच्चे, टेक केयर.